बच्चों, आज हम अपनी आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। वर्कशीट नंबर 145B, और EVS की ये वर्कशीट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, और यूनिट नंबर 19 है अब्दुल इन दी गार्डन। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बढ़ती नहीं हैं। तो आइए आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव हैं, यानी कि जो सांस लेती हैं और सांस लेने के साथ साथ बढ़ती भी हैं। अब फिर से 1 मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत हैं, यानी कि निर्जीव, जो आकार में बढ़ती नहीं हैं। नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीज़ों को वर्गीकृत कीजिए। अब आप ज़रा सोचिए, अब आपको यहाँ पर सजीव वस्तुएं, यानी कि जो सांस लेती हैं और वृद्धि करती हैं, या निर्जीव वस्तुएं जो कि नॉन लिविंग है, सांस भी नहीं लेती और वृद्धि भी नहीं करती। नंबर 1, जो सजीव हैं, आप यहाँ किसी पक्षी का नाम लिख सकते हो, जैसे चिड़िया, बिल्ली, जानवर का नाम, मनुष्य सजीव है, और पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं। ये सांस लेते हैं और बढ़ते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा, घर के पास एक पौधा, एक पेड़ पहले छोटा होता है, फिर बाद में वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपको निर्जीव वस्तुएं लिखनी है, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, दरवाज़ा, पेन, पेंसिल, अलमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो ये आकार में बढ़ती हैं और ना ही ये सांस लेती हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, बताइए। एक आदमी है, ठीक है, ये एक पेड़ को काट रहा है। जी हाँ, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या आपको पता है कि पेड़ काटना एक अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सजा के नियम हैं, एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं। जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब आप क्वेश्चंस लिखेंगे और साथ में उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? आप पहले खुद सोचिए फिर बताइए। पेड़ों से हमें लकड़ी, दवाइयाँ, फल, ऑक्सीजन, फूल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। खाना हमें पेड़ों से ही मिलता है, सब्जियाँ, ये सब आप यहाँ लिखेंगे। क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है? बिल्कुल भी नहीं, पेड़ों को काटना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें पेड़ काटने भी पड़ जाए, जैसे अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर, या अगर हमने एक पेड़ काटा है मजबूरी में, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में, तो उसकी जगह पर हमें किसी और स्थान पर कम से कम 5-6 और पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना होगा तो क्या होगा?
पेड़ काटने पर अगर कोई कानून ना होगा तो सब लोग अपनी मर्जी से पेड़ काटते रहेंगे और ऐसे धीरे धीरे सब पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? यदि हाँ तो उन पौधों के नाम लिखिए। अगर आपके आसपास कोई पौधे पेड़ पौधे हैं तो आप उनको देखो और उनके नाम लिखो, ठीक है? आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको आज एक एक्टिविटी भी मिलेगी, पेड़ बचाओ सेव ट्रीज विषय पर पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने कैसा बनाया है। यहाँ देखिए पोस्टर आपको बनाकर दिखाया गया है, सेव ट्रीज सेव अर्थ। तो आपको खुद एक पोस्टर बनाना है, ठीक है? पोस्टर बनाइए और आप उसकी पिक क्लिक करके भेजिए, बाद में उसको सबमिट करवा लिया जाएगा, ठीक है? अभिभावकों के लिए सुझाव, यदि संभव हो तो बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा लगाइए एवं पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे, कंप्लीट योर वर्कशीट्स। ओके।